दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए जो ब्यूटी पार्लर बुक्स आती है वो लेना क्यों जरूरी है। जब आप ऑनलाइन काम सीख रहे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो आप इन बुक्स के जरिए अपनी स्किल को और डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन काम सीख रहे हैं तो किसी भी चीज को सिर्फ एक बार में ही देखकर उसमें परफेक्ट हो जाना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए आपको जरूरत होगी कि आप बुक्स खरीद लें, जिससे कि आपका जो काम है आप उसमें और भी ज्यादा परफेक्ट हो सके। तो उस काम में परफेक्ट होने के लिए आपको जरूरत होती है, प्रैक्टिकली आपको काम करना होता है, उसी के साथ आपको थ्योरी की भी जरूरत होती है, तो तभी आप जो काम है वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो ब्यूटी पार्लर की बुक्स है वो आती है, जिसमें कि आपको मेकअप की बुक अलग से मिल जाएगी, आपको हेयर स्टाइल की बुक मिल जाएगी, आपको स्किन टाइप के बारे में बुक मिल जाएगी। इसमें आपको 6 से 7 बुक्स आराम से मिल जाएंगी। हर एक कैटेगरी की आपको अलग अलग बुक्स जो है वो लेनी होगी। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल के बारे में बात करूं, तो हेयर स्टाइल की जब आप बुक लेते हो तो उसमें आपको हर टाइप के हेयर स्टाइल मिल जाएंगे, चाहे वे कॉलेज गोइंग गर्ल के बारे में हो या फिर आप ब्राइडल हेयर स्टाइल करना चाहते हो, तो आपको सभी तरह की जो हेयर स्टाइल है वो उस बुक में मिल जाएंगे। और उसी के साथ आपको उसमें जो पोस्टर के साथ जो उसकी थ्योरी है वो बिल्कुल अच्छे से समझाया गया होता है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, उस थ्योरी को पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं और उस हेयर स्टाइल को अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप मेकअप की बुक ले लेते हो तो उसमें आपके जो मेकअप का बेस होता है उससे लेकर पूरे मेकअप तक आपको पूरी जानकारी दी जाती है, उसी के साथ आपके जो स्किन टाइप है उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से समझाया जाता है, थ्रेडिंग के बारे में आपको पूरी डिटेल से समझाया होता है, थ्रेडिंग की कितनी शेप्स होती है, कैसे उनको अच्छे से शेप देना होता है, किस फेस पे कौन सी जो शेप है वो अच्छी लगेगी, तो उसमें बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझाया गया होता है, जिसे आप अपने घर पर आराम से बैठ कर बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेल आर्ट आप कर सकते हो उस बुक से पढ़कर, उसे देखकर, उसे सीख सकते हैं। आप हर तरह के नेल आर्ट के डिजाइन जो है वो आपको वहां पे दिखाए गए होते हैं। नेल आर्ट में जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसकी भी जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे से दी जाती है और उन टूल्स के क्या क्या नाम है उसके बारे में भी पूरी डिटेल होती है। तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि जब भी आप नेल आर्ट में इस्तेमाल होने वाले टूल खरीदने जाते हो, कहीं बाजार जाते हो या फिर आप ऑनलाइन उन्हें परचेज करना चाहते हो, तो उनमें उनके नाम जो है वो मेंशन किए गए होते हैं, जिसे कि आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप बाजार जाते हो तो वहां उन टूल्स को उनके नामों से आप खरीद सकते हैं। आई मेकअप की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए भी आपको पूरी अलग से एक बुक मिल जाएगी। आई मेकअप की जो बुक होती है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो आई मेकअप होता है वो हमारे पूरे फेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आई मेकअप अगर आप बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं, प्रोफेशनल तरीके से कर लेते हैं, तो जो फेस का पूरा मेकअप है वो आपको अच्छे से और आसानी से करने आ जाता है। आई मेकअप में आपको अलग अलग टाइप के जो आई मेकअप है वो आपको मिल जाएंगे, HD में या फिर जितने भी टाइप के आई मेकअप होते हैं वो आपको उसके बारे में सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। मेहंदी की आप ले सकते हो, इसकी भी काफी ज्यादा नीड आपको पड़ जाती है जब भी कहीं आप जाते हो या फिर आप घर पर रहकर ही खुद ब खुद प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिकली करके। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो मेहंदी लगाने की स्किल होगी वो और ज्यादा डेवलप होगी और आपका जो हाथ है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। फेस के अकॉर्डिंग किस बंदे को कैसे तैयार करना है बिल्कुल अच्छे से समझाया गया होता है। जैसे कि आप कहीं किसी ब्राइडल को तैयार करने के लिए जाते हो या आपके पार्लर में कोई ब्राइडल आती है तैयार होने के लिए, तो उसके फेस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कौन सा लुक जो है वो ठीक लगेगा, वो सब कुछ आपको जो है इन बुक्स में अच्छे से समझाया गया होता है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है उस ब्राइडल को सुंदर बनाने। तो इसमें आपको साड़ी स्टाइल से रिलेटेड भी बुक्स मिल जाती है कि आपको जो साड़ी है उसको किस तरह से स्टाइल करना है, या फिर आप किसी का लहंगा स्टाइल कर रहे हो तो उसकी जो चुन्नी है उसको किस तरह से स्टिच करना है, कैसे आपको उसे नए तरीके से तैयार करना है, तो इसकी भी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इन बुक्स में मिल जाती है। मेकअप की अगर बात करूं तो जैसे कि अगर कोई डे मेकअप करवाना चाहता है, इवनिंग मेकअप करवाना चाहता है, नेचुरल मेकअप करवाना चाहता है या ब्राइडल मेकअप करवाना चाहता है, तो इन सब के जो मेकअप है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो इन तरीकों को सीखने के लिए आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं। गाइज, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बुक्स तो परचेज नहीं की है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है,
तो उस कोर्स के चलते मैंने यहाँ पे जो बुक्स है, जो नोटबुक्स है, वो खुद रेडी की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मैंने एक तरफ थ्योरी लिखी हुई है और एक तरफ मैंने इसकी जो पोस्टर है वो लगाए हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इन बुक्स को रेडी किया हुआ है और ये सारी जो बुक है ये मैंने खुद रेडी की हुई है। उसी के साथ यहाँ पे मेरी एक और नोटबुक है जिसमें कि मैंने इसमें भी जो है पूरी थ्योरी लिखी हुई है और एक साइड जो इसके पोस्टर है वो लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इन नोटबुक्स को खुद ब खुद बनाया हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है थ्रेडिंग के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि थ्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, उसी के साथ थ्रेड कितने टाइप के होते हैं, थ्रेडिंग करने की विधि के बारे में पूरी डिटेल से समझाया गया है। और उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में जो थ्रेडिंग की इमेजेस है वो यहाँ पे लगाई गई है। सो गाइस इस तरह से मैंने अपनी बुक्स को रेडी किया हुआ, तो ऐसी ऐसी लगभग मेरे पास 7 से 8 बुक्स हैं। तो इसीलिए आपको ये बुक्स जो है वो जरूरी होती है, चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हो या फिर ऑफलाइन सीख रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका उस चीज से ध्यान हट जाता है तो कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप भूल जाते हैं। अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हो तो तब तो आपको जरूर से ये जो बुक्स है वो परचेज करनी चाहिए, ताकि आपकी जो काम करने की जो स्किल है, जो काम करने का आपका तरीका है, आप उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके। वैसे तो ये बुक्स आपको बाजार में भी आराम से मिल जाती है, लेकिन अगर आप बाजार से इन बुक्स को खरीदने जाते हो तो ये आपको MRP पे ही मिलती है, लेकिन अगर आप इन्हें Amazon वगैरह से परचेज करते हो तो वहां पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप Amazon पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। ये बुक्स जो है वो लगभग आपको 700-800 या फिर 1000 तक आपको आराम से मिल जाएंगी। और उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपका पार्लर है और आप जिस काम को अपने पार्लर में कर रहे हो, आप अपनी उस स्किल को डेवलप करना चाहते हो, तो आप उसी बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको ये जो सारी बुक्स है इनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हो, उसके बारे में अपनी जो स्किल है वो डेवलप करना चाहते हो, आपको इंटरेस्ट है उस चीज के बारे में, तो आप उस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप नेल आर्ट नहीं करते हैं तो आपको नेल आर्ट की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि आप ये काम सीखे और अपने पार्लर में जो है इसकी सर्विस दे, तभी आप इस बुक को खरीद सकते हैं। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।